नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटसी विन प्रोडक्शन में। तो दोस्तों हम कवर करने वाले हैं श्रीलंका बॉन्स वर्सेस बांग्लादेश बॉन्स के बीच सेकंड T20I मैच है। डीपी लांस करेंगे इस वीडियो में फुल स्टेप इन्फो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों जो हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो अपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक वर्क ना करे तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realfwp, आपको फैंटसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 26,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों मैंने हमसे कुछ फेक चैनल भी बने हैं, तो प्लीज़ आप उनसे सावधान रहिएगा। और यूजर नेम @realfwp देख के, 26,000 के आसपास सब्सक्राइबर देख के, हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों बात करें मैच की, मैच मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। और दोस्तों मैच होने वाला है सिनहलेसे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड कोलंबो, श्रीलंका में मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं पिच की, तो बैलेंस विकेट मान के अपनी टीम को क्रिएट करेगा। हालांकि दोस्तों इस ग्राउंड पर जो बॉलर्स हैं उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, बहुत ज़्यादा बड़े स्कोर यहाँ पर देखने को मिलते नहीं, और वैसे भी बोन्स का मैच है तो आप ज़्यादा बड़े स्कोर नहीं देखेंगे। 130-150 के रन में आप स्कोरिंग देख सकते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट T20I मैच हुआ था उसको बांग्लादेश की टीम जीत के आ रही, लेकिन काफ़ी क्लोज मुकाबला हुआ था। श्रीलंका में उसने पहले बैटिंग करते हुए 145 किए, तो जवाब में दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने 146 तो कर लिए थे, लेकिन बस एक बॉल शेष रहते ही उन्होंने टारगेट पूरा किया था। और उस मैच में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली थी यहाँ पे निगर सुल्ताना ने, इस टीम की कैप्टन भी हैं, और लास्ट मैच में नाइट आउट 75 किए थे। इनकी स्कोर की वजह थी बांग्लादेश की टीम उस टारगेट चेस डाउन कर पाई थी, लेकिन एक दोनों टीमें एक बैलेंस है ओवरऑल, और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। ऑन द पेपर जब देखेंगे तो श्रीलंका की टीम अभी भी मजबूत है। श्रीलंका की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे चमारी अटापट्टू, उनके साथ ओपन करेंगे बिस्मी गुणारत्न। की बात करें अटापट्टू की, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग डालती है। लास्ट गेम में 38 रन किए थे, 4 ओवर डाले, विकेटलेस रहे। अब देखिए अटापट्टू की श्रीलंका को मैच जीतना, तो बैटिंग्स भी परफॉर्म करना पड़ेगा और बॉलिंग्स भी परफॉर्म करना पड़ेगा। लास्ट में गेम में विकेट नहीं ले पाए, इस वजह से बांग्लादेश की टीम लास्ट मैच जीत गई, लेकिन ये बेहतरीन ऑलराउंडर इस टीम के आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, प्लस 4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, तो कैप्टनसी की भी बड़ी ऑप्शन आपके स्मॉल लीग टीम में रहने वाली है। ओवरऑल इस तरह से पहले 110 T20 मैच खेले थे, 2300 करीब रन थे, 21 गेंद का एवरेज था, 34 विकेट थे। अब रीसेंट में बॉलिंग लगातार कर रही थी, इस तरह से पहले रीसेंट फॉर्म भी आप इनका देख सकते हैं, कमाल का लाजवाब ऑलराउंडर है, अपनी टीम में जरूर रखिए। और स्मॉल लीग आप खेल रहे हैं तो कैप्टन भी बनाइए। बिस्मी गुणारत्न एवरेज प्लेयर है, राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 11 रन किए। इस तरह से पहले इनका कोई कुछ खास प्रदर्शन नहीं था, ओवरऑल 13 T20 में 164 रन थे, इस तरह से पहले मात्र 13 का एवरेज था, तो एवरेज बल्लेबाज रहेंगे, आप आसानी से छोड़ सकते हैं। वन डाउन बैटिंग करते देखेंगे एच समर विक्रमा, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और चमारी अटापट्टू के बाद इस टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। लास्ट गेम में 45 रन किए, इस तरह से पहले रीसेंट में फॉर्म भी इनका अच्छा था, और ओवरऑल 37 T20 में 627 रन किए थे 20 के एवरेज से, तो अच्छी बल्लेबाज हैं, 25-30 रन कभी भी कर सकती हैं, तो अपनी टीम में इनको भी जरूर रखेगा। नीलाक्षी डिसलुआ इस टीम की तीसरी सबसे बेहतरीन बैटर है, पहली अटापट्टू, दूसरी समर विक्रमा, तीसरी में है नीलाक्षी डिसलुआ, जो कि हमेशा अच्छा करती हैं। रीसेंट फॉर्म मतलब ठीक ठाक ही था, लास्ट गेम में 29 नॉट आउट की, इस तरह से पहले 64 मैच के अंदर 700 करीब इनके रन थे, 15 का एवरेज था, तो इनको भी अपनी टीम में जरूर रखेगा। अच्छी पावर हिटर है, तेज स्ट्राइक रेट से भी खेलती हैं, तो इसलिए यदि आप ऐसे एप्लीकेशन पर खेल रहे हैं जहाँ पर 3 बैटर लेने जरूरी है, तो वहाँ पर नीलाक्षी डिसलुआ को जरूर प्रेफर कीजिए। हैशनी परेरा लास्ट गेम में 1 रन की, रीसेंट फॉर्म कुछ खास रहा नहीं है, और T20 में इनका सिर्फ 11 का एवरेज, आप इनको आसानी से छोड़ सकते हैं। कविता दिलेरी राइट हैंड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक डालती है, लास्ट गेम में 3 ओवर डालती थी, विकेट लेने 0 पे आउट हुई थी। रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक सा था, इससे पहले 32 T20 मैच खेले थे श्रीलंका के लिए, 184 रन किए थे, 10 का एवरेज और 16 विकेट थे, तो ठीक ठाक ऑलराउंडर है, अपनी टीम में आप जरूर ट्राई कर सकते हो। 2-3 ओवर के आसपास बॉलिंग डालती हुई नजर आएंगी, और साथ में आपको नंबर 6 के आसपास बैटिंग करते हुए दिखेंगे। अनुष्का संजू इस टीम के जो कीपर है, उनका कोई खास मतलब है नहीं, रीसेंट फॉर्म भी खराब है और बैटिंग ऑर्डर भी बहुत नीचे, आप छोड़ सकते हैं। वो साथी राणा सिंह लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करती हैं, लास्ट गेम में 8 रन किए थे, 4 ओवर की बॉलिंग कराई जहाँ पे 1 विकेट निकाला, अच्छा खासा विकेट कभी भी लेके जा सकती हैं। 61 T20 में 55 विकेट हैं, और बहुत ही कमाल के बॉलर हैं, और रीसेंट फॉर्म भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आखिरी जो वनडे मैच खेला था ना, वहाँ पे 5 विकेट निकले थे, और लास्ट गेम में 1 विकेट निकाल के आ रही, 4 ओवर पूरे डालेंगी, ओवर इनके जल्दी कटते नहीं है। कव्या कालिंदी ने लास्ट गेम में डेब्यू किया, 2 ओवर डाले थे, एवरेज रहेंगे, आप छोड़ सकते हो। इनोका रानावीरा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लास्ट गेम में 3.5 ओवर डाले, विकेटलेस जरूर रहे, लेकिन 66 T20 में इनके नाम 77 विकेट थे, मगर यही एकमात्र ऐसी बॉलर श्रीलंका की जिसने कम मैचेस में ज्यादा विकेट निकाल रखे हैं। तो इनोका राना आपकी टीम में मस्ट है, ग्रैंड लीग में अपनी सीबीसी कर सकते हैं, उस उद्देश्य का प्रबोधनी को अपनी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग ट्राई कर सकते हैं, 3 ओवर के आसपास डालेंगे, लास्ट गेम में 1 विकेट मिला हुआ था। अब दोस्तों बेंच में जो प्लेयर हैं ये लोग शायद आपको खेलते हुए ना दिखे, यदि इनमें से कोई भी खेला तो मैं इनके स्टेट्स टेलीग्राम पर दे दूंगा। लास्ट मैच में श्रीलंका का जो मैंने प्लेइंग 11 दिया है, यही प्लेइंग 11 था और यही बैटिंग ऑर्डर देखने को मिला था। बात करें दोस्तों इस मैच की, जो हमारी दूसरी टीम रहने वाली है, बात कर लेते हैं बांग्लादेश बॉन्स की, जो कि पहला मैच भले ही मतलब एक गोल से रहती जीती, लेकिन पहला मैच जीत के आ रहे। इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे समयमा सुल्ताना, उनके साथ ओपन करने आएंगी रुबैया हैदर झलिक,
उससे पहले बता दूं आपको जिस मैच का फाइनल टीम मिलेगा टॉस के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत ज्वाइन कर लें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आपने क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ जाना है। ऑलरेडी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर 26,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं, बिल्कुल फ्री है, तो आप भी जुड़ जाएँ। डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियो लाइक नहीं करा लाइक कर देना। समय बस उताना राइट हैंड बैट्समैन है, कीपिंग करें कर सकते हैं इस मैच में। दोस्तों लास्ट गेम में निगर सुल्ताना ने भी विकेट कीपिंग करी थी, इनमें से कोई भी बतौर कीपर मेंशन हो सकता है। समय बस उताना, मैंने लास्ट मैच भी आपको क्लियर बोला था, T20 की बेहतर बल्लेबाज नहीं मानी जाती। लास्ट गेम में सिर्फ 5 रन किए, इस सीरीज से पहले रिसेंट फॉर्म भी खराब था और 51 T20 में 680 रन किए थे 14 की ओवर से। एवरेज बल्लेबाज आप आसानी से छोड़ सकते हो, यदि बतौर कीपर मेंशन होती है तो फिर आप एक आजील में ट्राई कर लीजिएगा, शायद कैचिंग और स्टंपिंग से कुछ पॉइंट दे जाए। इनका ओपन करने आएंगे रुबे हैदर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लास्ट गेम में 9 रन की, इस सीरीज से पहले भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं था, आखिरी जो दो गेम खेले थे वहाँ पर 4-4 का स्कोर किया था, आप आसानी से छोड़ सकते हैं। वन डाउन बैटिंग करते देखेंगे शोभना मुसरी, जो कि राइट हैंड बैट्समैन अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलती है, लास्ट गेम में 17 रन किए, इस सीरीज से पहले प्रदर्शन ठीक ठाक था और देखा जाए इस सीरीज से पहले 19 T20 मैच खेलते बांग्लादेश के लिए 114 रन किए थे, 9 का एवरेज था, ठीक ठाक सही पिक है। ऐसे एप्लीकेशन में खेलने जहाँ पे 3 बैटर लेने जरूरी है वहाँ भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक पिक रहेंगे। लास्ट गेम में 17 की, 20-25 कभी भी कर सकती हैं। डोमेस्टिक मतलब परफॉर्मेंस इनका ओवरऑल अच्छा रहा है रिसेंट में। बात करें निगर सुल्ताना की, जो राइट हैंड बैट्समैन है, कीपिंग भी कर सकती है इस टीम के लिए और इस टीम के सबसे बेहतरीन प्लेयर है, यदि इनको आउट कर लिया तो बांग्लादेश की टीम कुछ खास नहीं करेगी। लास्ट गेम में 75 नॉट आउट किए, इस सीरीज से पहले ठीक ठाक सा रिसेंट में प्रदर्शन था, 73 मैच खेले हैं इस सीरीज से पहले बांग्लादेश के लिए, 1348 रन किए 24 के ओवर से। तो आपकी टीम में कमाल की बढ़िया मतलब बैटर हैं, अपनी टीम में जरूर रखिए। ग्रैंड लीग में सी भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन कैप्टन वर्स कैप्टन में उतना सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि सिर्फ बैटिंग करती हैं, लेकिन रखना जरूर है बढ़िया बल्लेबाज। रितु मनु नीचे आके अच्छे स्ट्राइक रेट से हिटिंग कर सकती हैं, लास्ट गेम में 33 रन की, इस सीरीज से पहले 9 रन 1 विकेट, मतलब ठीक ठाक प्रदर्शन था। ओवरऑल 50 T20 में 250 रन 20 विकेट, लेकिन लास्ट गेम में बॉलिंग नहीं कराई थी इसलिए स्मॉल लीग में रिस्की पिक रहेंगे, बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर बहुत ही एवरेज हो जाती है। मुर्शिदा खातून की बात करें, अब इनको बतौर फिनिशर यहाँ पे यूज किया जा रहा है, यदि बतौर ओपनर खेलती है तो शायद बेहतर ऑप्शन होती, हो सकता है देखिए यदि रुबे हैदर नहीं खेलेंगे तो मुर्शिदा खातून फिर इनकी जगह ओपन कर सकती हैं, लेकिन हैदर खेलेंगी तो मुर्शिदा खातून बतौर फिर फिनिशर खेलेंगे तो फिर एवरेज रहेंगी। रुबिया, अब दोस्तों एक राबिया खान है एक रुबिया खातून है, ध्यान दीजिए, सॉरी रुबिया हैदर है और एक रबिया खान है, तो रुबिया हैदर को अपने नहीं ट्राई करना है, रुबिया खान को अपने ट्राई करना है, जो कि लेग ब्रेक बॉलर है और इन्होंने लास्ट गेम में पूरे 4 ओवर डाले थे। इस रिस्पेल जो आखिरी के 2 गेम थे वहाँ पे 1 विकेट था, तो यदि रुबिया खान खेलती हैं ऑलराउंडर सेक्शन मिलेंगे तब आप इनको जरूर ट्राई कर लीजिए, आप इनसे 3 से 4 ओवर देख सकते हैं। फहिमा खातून ये इंपॉर्टेंट है, लेग ब्रेक है, लास्ट गेम भी 2 विकेट ले गए, आपको लगभग 4 ओवर पूरे डाल के दिखेंगे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जरूर ट्राई करिएगा। नाइदार लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स है, लास्ट गेम में 4 ओवर 1 विकेट, रिसेंट में फिर ठीक ठाक से पहुंच रहा है और 61 T20 में इनके नाम 72 विकेट हैं, तो कमाल की बॉलर, अपनी टीम में जरूर ट्राई करना है। ग्रैंड लीग खेलें तो सीबीसी आप इनको जरूर बनाएं। सुल्ताना खातून ऑफ ब्रेक, लास्ट गेम में 4 ओवर 1 विकेट, और फरीहा त्रिशा इस्लाम की बात करें, लेफ्ट आर्म पेसर है, लास्ट गेम में उन्होंने भी 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला था। अब दोस्तों इनके लगभग 5 बॉलर फिक्स हैं, यही आपको 5 डालते हुए दिखेंगे, यदि छठवें बॉलर की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे आपको ऋतु मुनि कुछ ओवर करते हुए दिख सकते हैं। बाकी श्रीलंका के जो मेन बॉलर हैं वो भी हम देख लेते हैं, श्रीलंका के जो बॉलर रहने वाले यहाँ से आपको दिख रहे हैं, इनमें से ये बॉलर हो गए स्पेशली ये 3, जैसे प्रबोधिनी, राणा बीरा, राणा सिंह, ये 3 बॉलर ही हो गए। चौथी इस टीम की रहेंगी बॉलर, आपको ऊपर दिख रही होंगी चमारी एटा पट्टू, चौथी बॉलर हैं। पांचवी बॉलर के रूप में टीम की रहेंगी दिलहरी, छठवें बॉलर में जरूरत पड़ेगी तभी कब्बेकालीन दिख सा जाएंगे, तो ये इनका बॉलिंग बैकअप था। बाकी इस मैच का टीम क्या चले देख लेते हैं, लेकिन जो मेरा फाइनल टीम बनेगा जिस टीम से मैं खेलूंगा, मैं आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर अपनी टीम दे दूंगा। 26,000 ज़्यादा लोग टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ चुके हैं, जुड़ना बिल्कुल फ्री है क्योंकि हम सब कुछ पूरे स्टैट्स टीम सब कुछ फ्री प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं हम इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में निगर सुल्ताना के साथ जा रहा हूँ, स्मॉल लीग में सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है, सेफ भी हैं, एक आज जीएल में अब समय सुल्ताना को ट्राई कर सकते हो। बात करें बैटिंग सेक्शन की, इसमें 2 प्लेयर लिए हैं, यहाँ पे एस समर विक्रमा है, नीचे से लें तो दोस्तों मैंने यहाँ से एस मोस्त्री को लिया हुआ, हालांकि दोस्तों नीलाक्षी डिस्लो भी ठीक ठाक ऑप्शन है, आप इनको ट्राई कर सकते हो। स्पेशली ऐसे एप्लीकेशन पर यदि आप खेलें जहाँ पे 3 बैटर लेने जरूरी तो वहाँ पर आप इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, एस चमारी अटापट्टू हो गए, उसादी रन सिंह हो गए, यहाँ से एन अख्तर हो गए, ये 3 कितनी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कविता दिलारी भी ठीक ठाक पिक हैं इसलिए मैं इनको भी अपनी टीम में लेकर जा रहा हूँ। बात करें बॉलिंग सेक्शन की, ऐसे एफ खातून हो गए, यहाँ से राणा भी रहोगे, सुल्ताना खातून हो गई, और बॉलिंग फर्स्ट में स्पेशली यहाँ से एफ फारिया त्रिशा इस्लाम, ये 4 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, उसे उद्देश्य का प्रबोधन ही है, बॉलिंग फर्स्ट होता है तो आप इनको जरूर ट्राई करिएगा। बात करें दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन टीम की फाइनल प्रीव्यू की, दोस्तों कैप्टन में करा हुआ ऐसे चमारी अटापट्टू को, वाइस कैप्टन दोस्तों उसादी राणा सिंह, ये दोनों ही कमाल के ऑलराउंडर है, स्पेशली अटापट्टू आपको ओपन करके देंगे, 4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, तो स्मॉल लीग में सबसे बेहतरीन कैप्टन से ऑप्शन राणा सिंह है, 4 ओवर की पूरी बॉलिंग कराएंगे, थोड़ा बैटिंग से बैकअप देते हैं इसलिए मेरे वाइस कैप्टन है। अब दोस्तों ग्रैंड लीग के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक प्लेयर और दिख रहे हैं आपको, एन अख्तर,
नाहिदा अख्तर कमाल की विकेट टेकिंग बॉलर, ग्रैंडलिम कैप्टन कैप्टन को जरूर बनाएगा। और जो मेन बॉलर हैं जैसे राणा वीरा हो गए, चारों पूरे डालेंगे, एफ खातून हो गए, चारों पूरे डालेंगे, तो आप इनको भी जेल में सीबीसी कर सकते हैं। बाकी जो लोग ऐसे एप्लीकेशन पे खेलें जहाँ पे तीन बैटर लेन जरूरी है, तो आप मैं क्या करूँगा, कविस दिलहरी की जगह नीलाक्षी रिसलोक ले लूँगा ऐसे एप्लीकेशन पे जहाँ पे तीन बैटर लेन जरूर होते हैं। बाकी टीम में कोई चरण खानी नहीं होगी, अभी के लिए मेरा यही टीम है। लेकिन जो मेरी फाइनल टीम होगी ड्रीम की और अदर प्लेटफॉर्म की, सारी टीम्स मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हमें टेलीग्राम पर, तुरंत ज्वाइन कर लें, जुड़ना बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आपने तुरंत टेलीग्राम पर एंट्री ले लेनी है। 26,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी हमारे साथ वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे सारी वीडियोज़ की। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम ट्विटर का भी मैंने लिंक दे दिया, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।